गुमला जिले में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक भूमिका मजबूत करने के लिए आयोजित भारत छोड़ो पद यात्रा की गई। पद यात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय, प्रदेश कार्यकारी सदस्य बंधु तिर्की सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्षों की जारी किए गए सूची के सवाल को लेकर राजेश ठाकुर ने कहा कि जब भी कोई सूची जारी होती है तो उसमें विसंगतियां सामने आती है। ये सही है कि अल्पसंख्यक में नाराजगी है, इस पर पूर्ण विचार किया जाएगा। अपने अपने नजरिए से देखते हैं और ये सही है कि जब भी कोई सूची जारी होती है तो उसकी विसंगति सामने आती है, और जब सामने आती है तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपना यहाँ से फीडबैक देते हैं आला कमान के यहाँ। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। 80 विधानसभा हम इससे पूरा करेंगे पदयात्रा के माध्यम से, और 81 विधानसभा के 5,500 पंचायत जो है उनको कवर करना है, उनको पूरा करना है। आप कह सकते हैं कि झारखंड को पैर से हम नापने का काम करेंगे। ये हमारा जब तक राहुल गांधी जी का पदयात्रा चल रहा है, हमारी यात्रा भी इस तरह से झारखंड के विभिन्न इलाकों में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।